लेट्स क्लियर वन थिंग, जो फोन्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये फोन्स रियली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स है और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड एक वीडियो है। हालांकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग ये कह रहा है कि हमें कुछ सजेशंस दो कि आखिर 25,000 या फिर 20,000 के नीचे कुछ स्नैपड्रैगन की फोन्स के बारे में हमें बताओ, ताकि हमारा लॉस ना हो और हम अच्छे से एंजॉय कर पाए उन सारे फोन्स को। वीडियो देखकर आप चौंक जाओगे कि हाँ, इतना सारा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स है 25,000 के अंदर, जो कि बेस्ट स्पेक्स आपको प्रोवाइड करेगा और बेस्ट आपको चीजें देगा इसी प्राइस रेंज में। तो चलिए मैं आपको वो पांच फोन्स दिखा देता हूं। तो मेरे वीडियो टाइप के हिसाब से नो एक्स्ट्रा बातें, नो एक्स्ट्रा इंट्रो, नो एक्स्ट्रा बकबक। सबसे पहला स्मार्टफोन है पोको X5 Pro। डीप स्पेक्स नहीं बताने वाला हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सिर्फ मैं आपको हाइलाइट्स देने वाला हूं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये फोन मेरे लिए है या फिर नहीं। सबसे पहला स्मार्टफोन है पोको X5 Pro। रैम है 6GB, स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, साथ में 108+8+2 मेगापिक्सल की ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एंड आपको 6.67 इंचेस की एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा है, साथ में इसमें 120 हर्ट्ज प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें अगर ब्राइटनेस की तो ये मैक्सिमम 900 निट्स तक आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा डिस्प्ले। 5000 एमएएच की बैटरी के साथ 67 वाट की एक फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, सुपर फास्ट चार्जर। साथ ही साथ इस फोन की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 18,000। पोको X5 Pro की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 18,000। प्रोसेसर क्या है? स्नैपड्रैगन। सारे फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड स्मार्टफोन, द सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन इज iQOO G6 Pro। 6GB आपको देखने के लिए मिल जाएगा बेस्ट वेरिएंट में, साथ में स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल की ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, साथ ही साथ आपको 4700 mAh के बैटरी एंड 66 वाट की सुपर फास्ट चार्जर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। 6.44 इंचेस की एक डिस्प्ले है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्प्ले गेमिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड अगर बात करें हम डिस्प्ले टाइप की तो एमोलेड है, साथ ही साथ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बैटरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बैटरी उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है। ब्राइटनेस की बात करें तो 1300 निट्स इसकी ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस। और अगर बात करें हम प्राइस की तो इस फोन की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 24,000। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 25,000 की नीचे की फोन्स के बारे में, ठीक है। तीसरा स्मार्टफोन है मोटोरोला G84। ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्मार्टफोन है, अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं ये फोन ले लेता, क्योंकि इसकी बेस वेरिएंट में है 12GB रैम, साथ ही साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए 20,000 के नीचे जो भी फोन्स आता है उसमें बेसिकली 695 प्रोसेसर दिया जाता है, ठीक है। और आपको ज्यादातर फोन्स में 695 5G प्रोसेसर देखने के लिए मतलब मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके देखा कि आखिर 695 के अलावा और कितने सारे फोन्स हैं जहाँ पर कि अलग तरह की स्नैपड्रैगन मतलब अलग वेरियंट दिया जा रहा है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस, तो ज़रूर देखना अगर आप फोन खरीदना चाहते हो तो, ठीक है। स्नैपड्रैगन की फोन्स तो इसमें आपको 6.55 इंचेस की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें पी ओलेड डिस्प्ले है। देखिए ये भी एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह मतलब जो हार्डवेयर है ना वो थोड़ा सा अलग है, उतना ज़्यादा नहीं, सेम डिस्प्ले है एमोलेड की तरह, ठीक है। बात करें हम रिफ्रेश रेट की तो 120 हर्ट्ज़ इसकी रिफ्रेश रेट है। 50+8 मेगापिक्सल की डुअल रियर कैमरा सेटअप, फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल की, बैटरी में 5000 एमएएच की बैटरी, साथ में 30 वाट की एक फास्ट चार्जर। और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है 5000 एमएएच की बैटरी के साथ, क्योंकि 30 वाट बेस्ट चार्जर होता है, ठीक है। और बात करें हम ब्राइटनेस की तो 1300 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्लैगशिप की तरफ। एंड इस फोन की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 18,000। इतना कम प्राइस है इस स्मार्टफोन की, साथ ही साथ इसकी स्पेक्स आप लोग जरा देखो। मोटोरोला तो अभी बहुत ही फायर अप कंडीशन में है, तो जरा इस फोन को जरूर चेकआउट करना। नंबर फोर्थ स्मार्टफोन है पोको F5। ये मेरा ड्रीम फोन है और मोटोरोला G84 वो वाला स्मार्टफोन मेरा मतलब पर्सनल पसंद है, क्योंकि उसमें स्टॉक एंड्रॉइड हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वो फोन इसीलिए मुझे पसंद है और कस्टम रोम की सपोर्ट उस फोन में मतलब अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उस फोन को साइड में रखें, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो पोको F5 मेरा ड्रीम फोन है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ना कि भाई जरा मतलब आप लोग पहले सुनो, ठीक है। 8GB रैम है इसकी, और सेकेंडली इसमें स्नैपड्रैगन 7+Gen2 प्रोसेसर लगा है। इसमें स्नैपड्रैगन 7+Gen2, साथ ही साथ 64+8+2 मेगापिक्सल्स की पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा में है 16 मेगापिक्सल। बात करें बैटरी की तो 5000 एमएएच की बैटरी, 67 वाट की सुपर फास्ट चार्जर। एंड बात करें हम डिस्प्ले साइज की तो मेरा मतलब बेस्ट डिस्प्ले साइज इसमें दिया गया है, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले हमें जो है देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें एमोलेड
रेट है एंड इसमें 120 हर्ट्ज हमें देखने के लिए मिलेगा विद 1000 nits ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो तगड़ा प्राइस है 23,000 केवल 23,000। तो भाई जरूर देखना, अगर आपके पास पैसा है तो मैं कहूंगा कि इसी फोन को ले लो, ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 25,000। एंड नेक्स्ट अगर हम ले तो लास्ट स्मार्टफोन है, फिफ्थ स्मार्टफोन है वीवो T2। ये वाला स्मार्टफोन भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है क्योंकि इसकी बेस ब्रांड है 6GB की, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 64+2 megapixel की डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बेस्ट कैमरा शॉट्स देता है अंडर 25,000। वैसे देखिए कैमरा हर एक फोन में अलग अलग तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है, मतलब मेगापिक्सल सेम होगा लेकिन फोटो क्वालिटी अलग अलग फोन में आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इस फोन में जो कैमरा की क्वालिटी है ना, मतलब फोटोज की क्वालिटी, वो बहुत ही अच्छा देता है, ठीक है। एंड फ्रंट कैमरा में है 16 megapixel, बैटरी में 5000 mAh की बैटरी, साथ में 44W की एक फास्ट चार्जर। नेक्स्ट हम डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.38 inches की आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। AMOLED है विद 1300 nits मैक्सिमम ब्राइटनेस। अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की तो 90Hz मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही स्टेबल है। एंड नेक्स्ट हम बात करें इस फोन की प्राइस की तो बहुत ही तगड़ा है, सेट प्रोसेसर 18,000। क्या आपने सपने में भी सोचा है कि भाई इतना सारा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है? लेकिन गाइस है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाला वीडियो क्रिएट की कि आपको मैं दिखाऊं कि हाँ 25,000 के नीचे बहुत ही अच्छे अच्छे फोन्स हैं जहां पर कि स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन की फोन्स लंबे टाइम तक आपको हीटिंग इशू नहीं दिखाएगा क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की यही एक खासियत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक लिस्ट दिखाऊं 25,000 के नीचे जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होगा विद बेस्ट प्राइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुका है और आपको एक आइडिया लग चुका है कि हाँ मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अगर पसंद आया है ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मैंने आपको बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं की है कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अभी ये आपकी ड्यूटी है क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्प लेते हो लेकिन दूसरों को नहीं करते हो तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन मैं आपको प्रेशर नहीं देता हूँ, मतलब करो ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मदद करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।